रहते हैं मोहब्बत, ये दर्द का नाम है, कशिश का नाम है, शिद्दत का नाम है मोहब्बत। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, मोहब्बत इज़ वेरी डेंजरस एंड मोहम्मत इज़ आल्सो फाइन, आल्सो नाइस, आल्सो ब्यूटीफुल, आल्सो गुड, या नो, बट किसी को क्या पता है कि मोहब्बत में और भी क्या होता है। शायद माँ होती है, बाप होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, रिश्ते होते हैं, दुनिया भी होती है। इसी का तो नाम है मोहब्बत। ज़रूरी नहीं कि एक लड़की और एक लड़का ही मोहब्बत करें, बस लड़कियों की, लड़कों की मोहब्बत ही आजकल दुनिया याद रखता है। उन्हीं को सब देखते हैं, उन्हीं की सारी बातें करते हैं हर वक्त। कोई भी बच्चा होता है, कोई भी लड़का होता है, कोई भी लड़की होती है, उसे बस अपनी मोहब्बत नज़र आती है। माँ की, बाप की, बहन की, भाई की मोहब्बत की कोई इज्जत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं है। एक शादी होती ही नहीं, अपने बीवी में इतना बिजी हो जाते हैं लड़के, इतना पागल हो जाते हैं कि माँ बाप को खाना खाने तक नहीं पहुँचते। जिस माँ ने, जिस बाप ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया, हर दुख में सहारा बने, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, शादी कराई, कि वो दो पल उनके साथ खुश रहें, उनकी सेवा करें, उनसे मोहब्बत करें, वही नहीं हो सकता हमसे? क्यों नहीं कर सकते हम? वो माँ है हमारी, बाप है हमारी, फैमिली है हमारी। हमें कल कुछ होता था, ज़रा सी भी तकलीफ़ होती थी, माँ दौड़ के आ जाती थी, बाप आ जाते थे, पापा आ जाते थे, क्या हुआ बेटा, तो ठीक तो है ना? हम कहते थे हाँ पापा, हम ठीक हैं। और आज एक बीबी की आ गई, एक वाइफ की आ गई हमारे पास, हम माँ बाप को भूलने लगे हैं, उनसे पूछते नहीं पापा आप कैसे हैं, अम्मी आप कैसी हैं, तबीयत तो ठीक है, खाना खाया, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमसे बता देना। क्यों नहीं पूछ पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए हमारी बीवी की मोहब्बत बहुत ज़रूरी हो गई, और जिन्होंने हमें इस मोहब्बत के काबिल बनाया, वो मोहब्बत को हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी बाप बनेंगे, हमें कभी औलादें होंगी, कभी हमारा भी ये वक्त आएगा, नहीं सोचा हमने। अपने माँ बाप को हर्ट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, फाइन। पर ये मत भूलिएगा कि माँ क्या होती है। माँ वो है जो हमें बताती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे बेहतर कोई दिख ही नहीं सकता। माँ वो है जो हमें इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को नहीं समझ पाते हैं। माँ वो है जो हमें हर कुछ का तरीका बताती है, मोहब्बत का, चलने का, फिरने का, पढ़ने का, लिखने का, ऑल अबाउट माँ बताती है। बस माँ की कदर तो उन लोगों से पूछिए जिनके पास नहीं है। किसी किसी का तो ऐसा होता है, एक साल का बच्चा है, माँ गुजर गई, दो साल का बच्चा है, माँ मर गई। जब वो बेटे बड़े होते हैं जिन्होंने माँ की ज़रा सी मोहब्बत भी ना देखी हो, एक बार उनसे मिलकर पूछो कि माँ क्या होती है, पता चल जाएगा। माँ, माँ का एक दर्द का कभी हम लोग कर्ज नहीं चुका सकते। जिस वक्त वो हमें जन्म देती है, कितना भी साला बदतमीज़ बच्चा हो, कितना भी कमीना लड़का हो, अगर एक डिलीवरी के टाइम उसको ले जाकर खड़ा कर दो ऑपरेशन थिएटर में, कसम खुदा कि वो ज़िंदगी भर अपनी माँ की फरमाबरदारी करेगा, कभी अलग नहीं हो पाएगा उनसे। जो दर्द होता है, जितना तड़पती हैं माँ, जितना रोती हैं, जितना चिल्लाती हैं, डिलीवरी के बाद तुरंत ये पूछती हैं मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है, ये कौन है, ये माँ, ये कोई लड़की नहीं है। बीवी कभी ऐसा नहीं पूछेगी, वो खुद प्रॉब्लम में होगी, अपना देखे, तुम्हारा नहीं पूछेगी तुम कैसे हो।
एक माँ 70 साल की बूढ़ी हो जाती है। बेटा तूने खाना खाया, ज़रा सा बुखार हो जाता है। बेटा तू क्या हुआ तुझे, ठीक तो है ना? ए बहू जल्दी से कुछ ना, जल्दी से ये कपड़ा भिगो कर मेरे बच्चे के सर पे रखना, बहुत तेज़ बुखार है इसको। 70 साल के बाद भी उसकी मोहब्बत बढ़ती जाती है, वो माँ है और हम पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत को, पूरी ज़िंदगी के प्यार